चैत्र नवरात्रि के पहले दिन और हिंदू नववर्ष के अवसर पर खुर्सीपार श्रीराम चौक जोन 2 में 1100 दीपों का प्रज्वलन कर महाभोग का वितरण किया गया। इसका आयोजन बोलबम सेवा समिति और नगर निगम भिलाई के उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह ने किया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ब्रजेश बिचपुरिया और महिला मोर्चा की जिलाध्यक्ष स्वीटी कौशिक, महामंत्री सरला आचार्य मौजूद रही। मुख्य अतिथियों व उपनेता प्रतिपक्ष दया सिंह के साथ सभी लोगों ने गंगा आरती की तर्ज पर महाआरती कर भिलाई सहित प्रदेश की खुशहाली की कामना की। आपको बता दें कि दया सिंह द्वारा इस कार्यक्रम का आयोजन विगत 14 वर्षों से किया जा रहा है। इस साल भी नवरात्रि के पहले दिन 1100 दीपक जलाने खुर्सीपार के नागरिक एकत्रित हुए और दीप प्रज्वलित किए गए। राम जी का दुपट्टा और कुछ दुपट्टा हमारी पति पता का आज पसंद है और पूरा देश नहीं पूरा विश्व इसको हर्षोल्लास से मनाता है, नववर्ष के रूप में मनाता है। आज ये हमारा जो हिंदू का नववर्ष है आज से प्रारंभ होता है। अंग्रेजी नववर्ष 1 तारीख से चालू होता है लेकिन हमारा ये वर्ष बृहस्पति पूजा से चालू होता है और इसमें आज सब लोग भगवान श्री राम की आराधना करने के लिए यहाँ आए, भगवान की लोगों ने आराधना की, सबको एक दूसरे ने बधाई दी। हम तो पूरे भिलाई और पूरे दुर्ग पूरे प्रदेश में यही कामना करते हैं कि यहाँ खुशहाली आए, लोगों के घर में खुशी आए, लोग समृद्ध हों और उनके घर में शांति रहे और ये प्रदेश खुशहाली से भरा रहे और आगे बढ़े। हमें बधाई देने के लिए हमारे मुख्य अतिथि बेहतर माननीय जिला अध्यक्ष ब्रजेश भोजपुरिया जी, ये अध्यक्षता हमारी बहन स्वीटी कौशिक जी ने कहा, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष। बढ़िया एक पर्व को हम महापर्व के रूप में विगत 15 वर्षों से मना रहे हैं। सबको शुभकामनाएं हैं, बधाई है और राम राज हो और देश का एक निर्माण के साथ में पूरा देश राम के नाम से जाने इसी भाव के साथ। आज महापर्व हमने यहाँ पे महापर्व की आरती की, महापर्व के तौर पे आज का हम लोगों ने हिंदू पुरातन सनातन संस्कृति जो हमारी है हिंदू नववर्ष उसको हमने बहुत भव्य रूप से मनाया और हम लोग फिर पुरातन संस्कृति की ओर वापस जा रहे हैं। ये बहुत हर्ष का विषय है। देश में समृद्धि हो और सुशासन जैसे मोदी जी ने दिया है हमें, ये निरंतर चलता जाए और भाजपा ऐसे ही काम कर